हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सर्किल, हिंदी में कहते हैं इसे वृत्त, का इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ थ्योरम जो सर्किल से जुड़ी हुई है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमारे सामने सर्किल क्या है, सर्किल होता क्या है, किसे बोलते हैं सर्किल, सर्किल बनता कैसे है, देखो क्या है, सुनो समझो। जैसे आपको ये सरफेस दिख रहा है, इस सरफेस से मान लो मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूं, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट मेरे लिए फिक्स है मान लो ये, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं मान लो 5 सेंटीमीटर दूर जाता हूं और मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया 5, ये वाला यहां पे जो लिखा हुआ है ये। अब मैं ऐसे ही बार बार 5 सेंटीमीटर दूर वाले सारे पॉइंट चूज करूंगा, ठीक है, और ऐसे जितने ही पॉइंट मिलेंगे मुझे 5 सेंटीमीटर दूर वाले, उन सबका एक ग्रुप बना लो, क्या बना लूंगा ग्रुप, और उन सबको मिला दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा एक सर्किल। सर्किल कुछ नहीं, सिर्फ यही होता है, क्या होता है देखो यहीं पे समझ लो। आ सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्किल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सारे ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जो इन अ प्लेन विच आर इक्यू डिस्टेंस, जो बार बार क्या हो, जैसे मैंने 5-5 का गैप लिया ना, सेम गैप इक्वल डिस्टेंस पे, फॉर्म अ फिक्स पॉइंट, वो भी कहां से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, मैंने से क्या बोला था, फिक्स पॉइंट इन द प्लेन दिस, तो उसे ही बोलते हैं हम क्या, सर्किल। तो एक फिक्स पॉइंट से बार बार एक इक्वल डिस्टेंस के गैप पर मैं पॉइंटों का ऐसा कलेक्शन लूंगा, उसी कलेक्शन को अगर मैं मिला दूं तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक सर्किल। और इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सर्किल हो गया सेंटर, और ये जो फिक्स्ड बार बार डिस्टेंस चल रही है ना, ये कहलाती है क्या, फिक्स डिस्टेंस, ये कहलाती है आपकी रेडियस, क्या कहलाती है, रेडियस, बोलो ठीक। तो याद रखना, जैसे मैं आपको इस फिगर में बना के दिखाता हूं, इस सर्किल का जहां पे फिक्स, जहां सेंटर होगा उसे बोलेंगे हम फिक्स पॉइंट, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं क्या, सेंटर, ठीक। और ये जो बार बार डिस्टेंस सेम रहती है इस सेंटर से, कहां की, इस बाउंड्री की, ये जो बाउंड्री होती है सर्किल की, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियस, ठीक। तो इस बीच वाले को बोलते हैं हम सेंटर सर्किल का, क्या बोलते हैं, सेंटर, और इसको बोलते हैं हम क्या, रेडियस, ठीक। और इस बाहर को बोलते हैं हम क्या, सर्कल की बाउंड्री से बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस, अभी आगे बढ़ेंगे। समझ गए सर्किल क्या है, सर्किल कुछ नहीं, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जो एक फिक्स पॉइंट से बार बार क्या हो रहा हो, इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट को कलेक्ट कर रहा हो, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है मेरा सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स। देखो पहली टर्म क्या लिखे हुए यहाँ पे, रेडियस। रेडियस क्या होता है, अगर मैं रेडियस को सिंपल डेफिनेशन में बोलना चाहूं, रेडियस होता है कुछ नहीं, एक सर्किल के सेंटर को, सर्किल के सेंटर से और सर्कमफेरेंस की बाउंड्री तक अगर मैं एक लाइन बना दूं, वो क्या कहलाएगी, रेडियस। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस, ठीक। तो ये कहलाएगी क्या, रेडियस। अगर मैं इसका नाम दूं OA, तो ये क्या बनेगी मेरी, OA। अगर मैं एक और बनाऊं ऐसे, ये OB, OB, तो ऐसे मैं कितनी रेडियस बना सकता हूं, अनलिमिटेड, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कोड। कोड क्या होता है, अगर मैं सर्किल के दो पॉइंटों को, सर्किल की बाउंड्री के दो पॉइंटों को मिला दूं, एक पॉइंट ये रहा सी, एक पॉइंट ये रहा डी, तो ये कहलाती है हमारी कोड। यहाँ पे कोड क्या है, यहाँ पे कोड है CD, ठीक। आप चाहे जितनी चाहे उतनी मिला लो, यहां से यहां मिलाओगे, ये भी क्या होगी, कोड होगी EF, ये भी क्या होगी इस टाइम पे, कोड होगी EF, बोलो ठीक। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट कोड, सबसे बड़ी कोड, वो क्या होती है लॉन्गेस्ट कोड, सुनो। अगर ये जो मैंने अभी आपको कोड बना के दिखाई, ठीक है, अगर यही कोड, यही कोड, इस टाइप की कोड अगर वो सेंटर से ही पास हो जाए, कहां से पास हो जाए, सेंटर से, AB और ये O, सेंटर से भी पास हो जाए, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वो कहलाएगी लॉन्गेस्ट कोड, क्या कहलाएगी, क्योंकि देखो जो लाइन सेंटर से जाएगी ना, वो सबसे लंबी होगी, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी, तो ये लॉन्गेस्ट कोड होगी। और इसका दूसरा नाम क्या है, डायमीटर, क्या नाम है इसका। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि इस डायमीटर में देखो, अभी मैंने बताया ओ से अगर आप कहीं भी जाओगे बाउंड्री तक, ओ से सर्कल की बाउंड्री तक जा रहे हो, तो क्या क्या कहलाएगी इसकी, यहां से यहां तक रेडियस, ये भी क्या कहलाएगी इसकी, रेडियस। यानी कि मेरे पास डायमीटर आ गया फॉर्मूला 2 × देखो दो रेडियस नहीं इस डायमीटर में, 2 × रेडियस, तो D = 2R, ठीक। और कभी आपको जरूरत पड़ेगी आर निकालने की, तो क्या करोगे, 2 को भेज दोगे कहां पे, डिवाइड में, बोलो ठीक है। डायमीटर होगी 2 × रेडियस, और रेडियस होगी डायमीटर का हाफ, बोलो ठीक है। तो डायमीटर कुछ नहीं है, सबसे बड़ी कोड को हम डायमीटर को बोलते हैं, डायमीटर,
डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, तो कॉर्ड समझ गए आप, रेडियस समझ गए और लॉन्गेस्ट कॉर्ड समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं हम हिंदी में स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? टेंजेंट को बोलते हैं हम क्या? स्पर्श रेखा। ऐसी लाइन जो क्या करके जाए, स्पर्श करके जाए। इस सर्कल को अगर कोई लाइन छू के जा रही है, कैसे जा रही है? ऐसे छू के, तो उसे बोलेंगे वो उसकी टेंजेंट है। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद रखना। और ये लाइन क्या कहलाएगी? टेंजेंट। बोलो ठीक। और ऐसे हम अनलिमिटेड टेंजेंट बना सकते हैं सर्किल पे। ठीक, और एक और चीज सुनो, अगर सर्किल के सेंटर को अगर मैं इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में मिलाऊंगा, तो ये हमेशा क्या होता है यहाँ पे? परपेंडिकुलर एंगल बनता है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन क्या होती है? सर्कल को काट के चली जाए, सर्कल को ऐसे क्या करके चली जाए? कट करके चली जाए, सर्कल के दो पार्ट कर दे। ठीक है, वो क्या कहलाती है? सेकंड लाइन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है मेरा सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल की जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये बाउंड्री ही सर्कल की क्या कहलाती है? सर्कमफेरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसे परिधि। ठीक है, या बोल लो सर्किल का पेरीमीटर इज कॉल्ड। सर्किल का क्या होता है? सर्कमफेरेंस। इट इज अ पेरीमीटर ऑफ सर्किल। ठीक, और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पे, जो सर्किल है ना, सर्किल ने सरफेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। देखो कैसे, ये क्वेश्चन आता है कि सर्किल एक प्लेन सर्फेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, कितने पार्ट में ब्रेक करता है, डिवाइड पूछता है। दिखता ये बाहर वाला पार्ट, देखो सर्किल का जो बाहर है एरिया पूरा, ये पूरा कौन सा एरिया? बाहर वाला। ये कहलाएगा एक्सटीरियर। क्या कहलाएगा? और जो सर्किल के अंदर वो क्या कहलाएगा? इंटीरियर। ठीक है, और जो सर्किल की जो लाइन है, ये क्या है? सर्किल की बाउंड्री। ये होगी इसकी सर्कमफेरेंस। क्या होगी? सर्कमफेरेंस। तो सर्किल ने इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट इंटीरियर, तीसरा पार्ट सर्कमफेरेंस। क्लियर है? तो सर्कमफेरेंस समझ गए आप, जो इसकी बाउंड्री होती है उसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, याद रखना, सर्कुलर सर्कमफेरेंस 2πr, 2 × π × r। पाई को बोलते हैं हम 22/7, पाई की वैल्यू इतनी होती है। ठीक, और एक और चीज है, अगर मैं 2 और r को एक साथ कर दूं, पाई को अलग कर दूं, ऐसे कर दूं, पाई इंटू 2r कर दूं, तो ये कहलाएगी इसकी क्या? डायमीटर। तो ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है सर्कमफेरेंस के लिए, पाई इंटू डायमीटर। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, एरिया। एरिया क्या होता है? देखो सुनो, आपने देखा सर्कल के तीन पार्ट हो गए, तो जो अंदर वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? अंदर वाला पार्ट, वो कहलाता है सर्कल का क्या? एरिया, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। देखो ये पूरा अंदर की सर्कल के अंदर कितना स्पेस है, कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है सर्कल ने अंदर। ठीक है, सर्कल के अंदर कितना रीजन है, वो क्या है उसका? वो कहलाता है उसका क्या? एरिया। ठीक, सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो इसकी बाउंड्री है, इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। एरिया कहां होता है? अंदर। सर्कल के एरिया का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। याद रखना, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा सेगमेंट। क्या है सेगमेंट? कैसे? देखो सुनो, जैसे अभी हमने कोड बनाई थी ना, मान लो सर्कल की एक कोड है, इस सर्कल की कोड ने सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? दो हिस्सों में। तो इन्हें बोलते हैं हम सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ये ऊपर वाला भी सेगमेंट है, नीचे वाला भी सेगमेंट है, लेकिन नीचे वाला छोटा है। नीचे वाला क्या है? छोटा सेगमेंट है। तो इसे बोलेंगे हम, पता क्या, अगर मैं शेड करता हूं, छोटे को बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। बोलो ठीक। और जो ऊपर वाला है वो कैसा है? बिग है, उसका स्पेस ज्यादा, वो ज्यादा स्पेस उसके पास है, उसके पास ज्यादा एरिया है, तो वो कैसा होगा? वो होगा मेजर, मेजर सेगमेंट। बोलो ठीक। तो सेगमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ सर्कल के दो पार्ट कर दिए। किसके 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 किस किसके द्वारा? सर्कल की कोड के द्वारा। तो एक माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो तुम, क्या नोटिस करना था? हाँ, ये जो सेगमेंट है किसके बीच का एरिया है? ये सेगमेंट देखो किसके बीच का एरिया है, इसमें एक तो आ रही है कोड, क्या आ रही है? एक कोड, और एक नीचे वाली ये क्या है? इसे बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? सर्कल के छोटे से अगर मैं पार्ट ऐसे काट दूं, उसे बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे चाप। खाने वाली चाप नहीं है, कभी तो चाप है, वाली चाप नहीं है, हिंदी में चाप बोलते हैं इसे। और ये देखो, ये जो ये एरिया आ रहा है, ये किसके बीच में है? कोड और आर्क के बीच में। तो ये पूछा जाता है
ये ऐसा स्पेस है या एरिया है बिटवीन, क्या क्या था वहां पे, कोर्ड एंड आर्क, बोलो ठीक। और कभी ऐसा हो जाए ये लाइन बिल्कुल बीच में आ जाए, कहां आ जाए, बिल्कुल बीच में, जहां पे सर्कल का क्या हो, सेंटर हो, तो इस टाइम पे सर्कल के दोनों इक्वल पार्ट ना हो गए, एक ऊपर वाला हो गया है और एक नीचे वाला हो गया, एक नीचे वाला एरिया, ठीक। तो इसमें किसको माइनर बोले किसको मेजर बोले, इसमें आप किसी को भी माइनर बोलो किसी को भी मेजर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों पार्ट क्या है, दोनों पार्ट में कितना एरिया, इक्वल एरिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है क्या, कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी ये जो पार्ट है ये ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, इसको बोलते हैं सर्कल का आधा सर्किल है, कितना सर्किल है, जैसे बोलते हैं सेमी सर्किल, क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल, सेमी माने होता है आधा, सर्किल माने होता है वृत्त, कैसा वृत्त है, आधा वृत्त है, वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेगमेंट, नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा सेक्टर, नेक्स्ट क्या है, सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, देखो सुनो, आप लोग केक कटिंग करते हो या पिज्जा खाते हो तो उसमें आपने देखा होगा इस टाइप में वो निकालते हैं स्लाइस, निकालते ना स्लाइस, इसी को बोलते हैं सेक्टर। यहाँ पे कैसे बनेगा, देखो सुनो, ये सेंटर है सर्किल का, इस सेंटर से अगर मैं इस टाइप से कट कर दूं सर्किल को, ये मान लो ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ऐसे मैंने एक पीस काट के निकाल के बाहर कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम ये सेक्टर है सर्किल का, क्या है, सेक्टर, बोलो ठीक। सेक्टर नीचे वाला भी है और सेक्टर जो ये ऊपर है ये भी सेक्टर है, ये जो ऊपर वाला है ये भी क्या है, सेक्टर, बोलो ठीक। लेकिन जो छोटा है उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर और जो बड़ा है उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये है माइनर सेक्टर और जो ऊपर वाला है बड़ा वाला उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। छोटे वाले को माइनर सेक्टर, बड़े वाले को मेजर सेक्टर, क्लियर। अरे क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर कि ये पूछा जाता है जो सेक्टर बन रहा है ये किन दो पार्टों के बीच में बन रहा है, या किन किन पार्टों के बीच का स्पेस, किन पार्टों ने से घेर रखा है। तो देखो पता किसने घेर रखा है, जैसे मैं यहां बनाता हूं, देखो ये बनाया मैंने, तो देखो ये सेंटर है और ये सर्कल का क्या है, सर्कमफेरेंस है। तो मैंने बताया था सेंटर से सर्कमफेरेंस तक मिलाते हैं अगर कोई लाइन, तो वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस। और ये भी क्या होगी, रेडियस। और ये क्या है इसकी, ये जो नीचे वाली है, ये क्या है इसकी, ये है इसकी आर्क। तो सेक्टर किसके बीच का एरिया, सेक्टर है, सेक्टर किसके बीच का एरिया है, बिटवीन बिटवीन टू रेडियस, दो रेडियस आ रही है इसमें, एंड वन टू रेडियस एंड आर्क, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया है, स्पेस है, बोलो ठीक। ठीक, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मेरा कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्या होते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, देखो सुनो समझो, मान लो अगर मैंने कंपास में पेंसिल या पेन लगाया और मैं सर्किल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चलो बनाते हैं सर्किल। सर्किल मान लो ये रहा मेरा कंपास और ये मेरी पेंसिल, मैंने ऐसे घुमा दिया तो एक क्या बन गया, एक सर्किल, ठीक। अब मैंने उस कंपास में उस जो आर्क ली थी, जितनी रेडियस ली थी, ये रेडियस थी, उस रेडियस को मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो सर्किल इस बार फिर से कंपास में नहीं रखा, फिर मैंने ऐसे बनाया तो इस बार ये बन गया, और इस बार मैंने रेडियस छोटी कर दी, मान लो इससे भी छोटी कर दी, तो यहां पे है, तो मैंने घुमाया तो कैसे बना ऐसे। तो देखो तीन तरह की रेडियस हो गई, एक बाहर वाली रेडियस आर वन, ये आर टू मान लो, और एक छोटी वाली रेडियस आर थ्री, तीन रेडियस हो गई। लेकिन आपने नोटिस किया कि इन तीनों सर्किल जब भी बनाए मैंने, मैंने हर बार कंपास को इस सेंटर यहां जहां पे एक बार रखा था शुरू से वहीं रखा है। तो यही मतलब है, क्या मतलब है, देखो अब समझो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला, क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया, देखो ये हो गया कॉमन सेंटर, क्या हो गया, ये कॉमन सेंटर। तो ऐसे सर्किल जिनकी रेडियस तो अलग हो सकती है, डिफरेंट हो, लेकिन सेंटर क्या हो, एक ही हो, सेंटर कॉमन होने बोलते हैं हम क्या, कोसेंट्रिक सर्किल्स। तो यहाँ पे देखो आप नाम भी देख सकते हो, यहाँ पे सीओ लिखा हुआ है ना, सीओ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉमन वर्ड होता है, क्या होता है। तो कैसे सर्किल, कैसे जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन हो, कॉमन सेंटर। ऐसे सर्किल जिनका सेंटर क्या हो, कॉमन, उन्हें बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल। जैसे आपको ये दिख रहे हैं, इन सबका सेंटर एक ही होगा, लेकिन रेडियस क्या है, ये आर वन, ये वाली आर टू, ये वाली आर थ्री, ठीक है। रेडियस अलग हो सकती है लेकिन सेंटर क्या होगा, एक ही, उन्हें बोलेंगे कॉमन सेंटर वाले सर्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गए अब थ्योरम, नेक्स्ट आ गए अब थ्योरम। देखो थ्योरम में क्या है, मैं इन थ्योरम का अभी इस इंट्रोडक्शन वीडियो में प्रूफ नहीं कराऊंगा, सिर्फ बताऊंगा थ्योरम
क्या ये कहती है और इनसे मेरे पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, किसमें गिवन क्या है और क्या प्रूव करना होता है, और इन्हें मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा। ठीक, तो देखो फर्स्ट थ्योरम 9.1 क्या कह रही है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल, सर्किल की इक्वल कोड है, यानी कोड इक्वल दे रखी है। ये मान लो दो कोड है, ये दोनों कोड क्वेश्चन में इस थ्योरम में खुद बोला है कि ये क्या है, कोड क्या है, इक्वल है। यानी कि मुझे ये थ्योरम कहना चाह रही है, मेरे पास गिवन है, क्या गिवन है कि ये ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ठीक, फिर इसने बोला ये जो इक्वल कोड है सर्किल की वो सबटेंड करती कैसा एंगल, इक्वल एंगल कहां पे, सेंटर पे। ठीक है, तो सेंटर मान लो ये रहा, ये सेंटर पे देखो इस कोड से एंगल बन रहा है, ये बना और एक ये बना, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। अगर कोड इक्वल है तो देन मेरे पास कंक्लूजन ये आया कि ये दोनों एंगल, एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल सी ओ डी, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थ्योरम 9.2। ये इस 9.2 थ्योरम जो है ना 9.1 का उल्टा है, ये उल्टा बोलेगी, देखो क्या बोलेगी, एंगल सबटेंड बाय द कोड ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर, मतलब ये कह रहा है कोड जो है ना सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है वो क्या है, आपस में एंगल इक्वल है। तो मैं बना रहा हूं पहले ए बी, ये वाला सी और ये डी, तो देखो ये दोनों कोड सेंटर पे एंगल बना रही है, बना दिए, चलो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है मुझे इस बार, क्या गिवन है, दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल, तो इस बार आप लिखोगे गिवन में एंगल कौन सा, यहाँ पे मान लो ओ है, इस बार गिवन है एंगल ए ओ बी, किसके बराबर है, एंगल एंगल सी ओ डी के, अगर बराबर है तो देन मेरे पता क्या कंक्लूजन आता है, मेरे पे आता है कि ये कोड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी, पीछे वाले का बिल्कुल उल्टा है। बोलो ठीक, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, क्या मतलब, देखो सुनो, आपके पास एक कोड है मान लो ये ए बी और ये आपका सेंटर है, अगर आप सेंटर से इस कोड में परपेंडिकुलर बनाओगे, क्या बनाओगे, परपेंडिकुलर, तो ये इस कोड को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देगी, यही लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बनाओ कहां से, सेंटर से, किस पे, सर्किल के सेंटर से, किस पे बनाओ, कोड है बनाओ, तो वो कोड क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, क्या मतलब, देखो सुनो, यानी कि आपके पास गिवन है इस बार कि ये, इसे सी मान लेता हूं, ओसी और एबी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर साइन है जो 90 बनाता है, तो देन मेरे पे क्या आया स्टेटमेंट, मेरे पे ये आया कि एसी और सीबी क्या होंगे आपस में, इक्वल होंगे। ठीक, यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर बना रहा है सेंटर से इस कोड पे, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे, बाइसेक्ट करते, बाई माने दो, सेक्ट माने पार्ट, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है। क्लियर, ये है थ्योरम 9.3। अब 9.4 इस 9.3 का उल्टा होगा, देखना 9.4 क्या है, देखो उसी का उल्टा है, लाइन ड्रॉ करी है मैंने थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल के सेंटर से, और वो उस कोड को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, देन मेरे पे क्या आ रहा है, तो परपेंडिकुलर होगी पक्का, क्या मतलब है, देखो सुनो, ये कोड है, इसका नाम है ए बी और इसका यहाँ पे सेंटर है ओ, इस बार मुझे क्या दे रखा है, अगर मैं सेंटर से इस पे एक लाइन बना रहा हूं और वो लाइन इसे बाइसेक्ट करती, क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, लिखता हूं मैं गिवन में, गिवन ने मुझे दिया हुआ है, इस बार बाइसेक्ट कर रही है, ए सी और सी बी क्या है, बराबर है, तो मेरे पे क्या प्रूफ आएगा, या क्या प्रूफ ही चल देता हूँ, मेरे पे क्या कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन ये आएगा कि यहाँ पे पक्का कैसा एंगल बन रहा होगा, 90 का, परपेंडिकुलर होगी पक्का, तो क्या बोलेंगे, ओ सी परपेंडिकुलर होगा इस पे, ए बी पे, पीछे वाले का बिल्कुल उल्टा। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट है थ्योरम 9.5, देखो इसमें क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल, सर्कल की कोड क्या है, इस बार इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो आप दो कोड बनाओ पहले, एक कोड ये रही ए बी और दूसरी कोड क्या है, मान लो ये रही सी डी, क्वेश्चन में गिवन है, इस बार शुरू में बोल दिया इक्वल कोड है, तो गिवन में क्या आ गया, ये दोनों कोड क्या है आपस में, इक्वल है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर ले लूं, इस सेंटर से अगर मैं ये डिस्टेंस करता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम, ये ही परपेंडिकुलर, इसे ई मान लिया, इसे मान लो एफ मान लिया, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, अगर कोड इक्वल है तो मेरे पे क्या आएगा स्टेटमेंट, देन या प्रूफ लिख सकते हो आप, मेरे पे आएगा ओ ई बराबर किसके होगा, ओ एफ के, ये कहती है थ्योरम।
इस थ्योरम ने क्या बोला, अगर सर्किल की कोड इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी ही होंगी। क्लियर। इसके बाद वाली जो थ्योरम होगी वो इसका उल्टा बोलेगी। देखो कैसे, 9.6 क्या कह रही है, देखो सुनो, ये कहना चाह रही है कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो वो भी क्या होगी, इक्वल होंगी किसमें, लंबाई में। उल्टा नहीं हो गया उसका बिल्कुल। देखो कैसे, ये कोड है एक एरी ए बी, एक कोड एरी, इसका नाम क्या है, सी डी। अगर ये दोनों कोड सेंटर से, किससे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये 90 वाली डिस्टेंस, दोनों क्या बराबर है, ओ ई बराबर, इस बार ओ एफ है, इस बार क्या बोला है, कोड्स इक्वल डिस्टेंस, शुरू में बोल दिया इक्वल डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। तो यानी कि इस बार गिवन में क्या आएगा, इस बार गिवन में आएगा ओ ई बराबर है किसके, ओ एफ के। तो देन मेरे पे क्या स्टेटमेंट आएगा, मेरे पे स्टेटमेंट आएगा कि इनकी लंबाई ए बी और सी डी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मेरे पे आ गया ए बी और सी डी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। बोलो ठीक, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है थ्योरम 9.7। इसने क्या बोला है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एक आर्क एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, कहां पे, सेंटर पे। आर्क पता है ना आपको, सर्किल का एक छोटा सा, अगर मैं सर्किल में से छोटा सा पार्ट काट दूं, ऐसे मान लो ये काट दिया, ये पार्ट इतना सा पार्ट, ये सर्किल की क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आर्क, इसे बोलते हैं हम आर्क। और ये होगी बड़ी आर्क, ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क, बड़ी वाली को मेजर बोलते हैं, छोटी वाली को माइनर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, क्या बोला है, एंगल सबटेंड, एंगल बन रहा है बाय एन आर्क, किससे बन रहा है, एक आर्क से, कहाँ पे, सेंटर पे बनाओ। मान लो मैंने एक आर्क चूज कर लिया, एरी, सॉरी ये एरी आर्क, इस आर्क का नाम है ए बी, ये आर्क जो है ना सेंटर पे एक एंगल बना रही है, लो बना दिया, ये सेंटर है, मान लो सेंटर पे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी। इसने बोला है ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है, वो एंगल क्या है, डबल है, क्या है, डबल है, मगर किसका डबल है, डबल मतलब दो से गुणा, किसका डबल है, द एंगल सबटेंड बाय इट, यही आर्क का एंगल बना रही है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल के बचे हुए पार्ट पे। अब सर्किल का देखो, आर्क के अलावा कौन कौन सा पार्ट बचा है, ये सारा पार्ट बचा है। अगर ये ही आर्क, कौन सी आर्क, ये ही आर्क, अब सर्किल के बचे हुए पार्ट पे कहीं भी एंगल बनाए, लो बना के देखते हैं, थोड़ा इधर आएगा, लो ये बना दिया, तो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल का क्या है, डबल है, ये वाला ज्यादा बड़ा एंगल है, इस वाले का नाम रख देते हैं हम, तो एंगल ए सी बी। ये कहना चाह रहा है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा, दुगना होगा। अगर ये वाला एंगल एक्स है तो ये क्या होगा, टू एक्स होगा, ये वाला कितना होगा, टू एक्स। अगर ये वाला एंगल 50 का है तो ये वाला एंगल 100 का होगा, पूरा मिला के दोगुना करके, समझे, ये कहना चाह रहा है। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसने बोला है सर्किल के बचे हुए किसी भी पार्ट पे, इसने ये तो बोला है रिमेनिंग पार्ट, अगर तुम सर्किल का इस आर्क को छोड़ के कहीं भी सर्किल के पार्ट बनाओगे, मान लो मैं यहां बनाया तो छोटा सा, देखो बहुत छोटा सा ये वाला, ये जो एंगल है, ये एंगल एक्स है, तो ये पक्का क्या होगा, टू एक्स होगा। ठीक है, तो थ्योरम 9.7 ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक, क्वेश्चन में इसका यूज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरी थ्योरम 9.8। इसमें क्या लिखा हुआ है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, क्या मतलब है, देखो सुनो, अगर सर्किल है, सर्किल पे मैंने मान लो एक सेगमेंट खींच दिया, ये लाइन सेगमेंट, इसे कोड बोलते हैं, तो ये जो ये आर्क है आपकी, ये आर्क ये सेगमेंट है, अगर इन इन दोनों पॉइंटों से ए बी से मैं इस सर्किल पे बार बार एंगल बनाऊं, कितने भी एंगल बनाता रहूं, लो बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक ये बना दिया, 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 कितने सारे एंगल बना दिए, ये सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये बोलते हैं वाली थ्योरम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है थ्योरम 9.9। इस थ्योरम का क्या कहना है, सुनो, ये थ्योरम सबसे टिपिकल है, समझ में नहीं आती जल्दी से, देखो क्या करना है, क्या कहना है इस थ्योरम का, इफ अ लाइन सेगमेंट, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, तो पहले इतना ही पढ़ो, एक लाइन सेगमेंट बना जो किससे बन रही है, दो पॉइंटों से बना दो, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, दो पॉइंटों को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दी। ठीक, अब पढ़ो आगे, सबटेंड इक्वल एंगल, अब सबटेंड क्या हो रहे हैं, इक्वल एंगल हो रहे हैं,
टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, इस लाइन के सेम साइड, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, सेम साइड पे दो और पॉइंट लेने, क्या लेने, टू अदर पॉइंट्स। तो मान लो मैंने यहां ले लिया एक पॉइंट ये रहा सी, एक पॉइंट ये रहा डी, ठीक, सेम साइड ऑफ लाइन ले लिया। अब इन दोनों पॉइंटों से इस, ये जो पहले वाले पॉइंट थे इनसे एंगल सबटेंड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं एंगल, देखो ये लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है, इफ अ लाइन यहां तक हो गया था सबटेंड इक्वल एंगल, इफ टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड मैंने दो और पॉइंट लिए, ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है, अगर क्या है इक्वल, फिर इसने क्या बोला है, ठीक है, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट्स। अभी देखो आपके पास चार पॉइंट आ गए, एक दो तीन चार पॉइंट्स लाई ऑन सर्किल लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर्किल, और यहां पे लिखा हुआ है दे आर कौन साइक्लिक, क्या मतलब है सुनो, अगर ऐसा सीन बन जाए, क्या बन जाए, एक लाइन हो, उस लाइन के मैंने एक ही साइड पे दो पॉइंट ले, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, और उन दोनों से अगर मैं ऐसे एंगल सबटेंड करूं और वो दोनों एंगल क्या आ जाए आपस में इक्वल हो जाए, तो ये चारों पॉइंट सर्किल पर ही आएंगे, सर्किल पर ही होंगे, ये चारों पॉइंट फोर पॉइंट्स, ये चारों पॉइंट फोर पॉइंट्स लाई ऑन सर्किल, सर्किल पर ही होंगे किसी भी कीमत पर, तो ये इन चारों पॉइंट से एक सर्किल पास होगा पक्का, ये कहना चाह रहा है, ये थ्योरम ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखा हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स, ठीक है, वो किस पे आ जाए, सर्किल पे आ जाए, सर्किल की बाउंड्री पे आ जाए, तो उसे बोलेंगे हमको क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। देखो तो जैसे मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, जैसे मैंने बना दिया, लो चार साइड का क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल, अब ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये चारों पॉइंट सर्किल पर आते, किस पे आते, सर्किल की बाउंड्री पे आते चारों पॉइंट, चारों के चारों, तो मैं बोलूंगा ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक। अगर सपोज करो ऐसा हो जाए, ये सर्किल है, एक एक बाहर चला जाए, मान लो ऐसा ए बी सी डी तीन पॉइंट आ रहे हैं, मगर चौथा नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्लियर हो गया साइक्लिक का मतलब क्या है, पे क्या लिखा हुआ है, आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज कॉल्ड साइक्लिक, उसे साइक्लिक बोलेंगे अगर ऑल द फोर वर्टेक्स, उसकी चारों वर्टेक्स लाई हो ना सर्किल, सर्किल पे लाई होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं यहां बनाऊं, ये बना दिया मैंने, मान लो इसके चारों पॉइंट ए यहाँ पे, बी सर्किल पर है, सी भी कहां पर है सर्किल पर है, डी भी कहां पर है सर्किल पर है, तो इसे बोलेंगे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बोले ठीक है, तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, ठीक। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आगे प्रॉपर्टी पढ़िए, कुछ प्रॉपर्टी होती है इसकी, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम 9.10, ये क्या स्टेट कर दिया, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ओवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक साइकिल, देखो सम, ठीक है, अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अवेलेबल है, मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताया, जिसके चारों वर्टेक्स कहां पर हो, कोने कहां पर हो, सर्किल पर लाई करे, अगर ये साइक्लिक है, ये थ्योरम कहना चाह रही है गिवन में कि मेरे पास अगर ए बी सी डी साइक्लिक है, ए बी सी डी क्या है, इज अ साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होगा, सुन लो, अगर ये साइक्लिक है क्वाड्रिलेटरल, तो सम मतलब जोड़ना है मुझे क्या, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इसके अपोजिट एंगल का सम करना है, क्या करना है, बी के साथ डी, ये दोनों अपोजिट होंगे, और ए के साथ किसको करूंगा सम, सी को, तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों का सम क्या होगा 180, ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल सी इसका भी सम क्या होगा 180। अगर आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है, याद रखना है बात, ठीक। और उल्टा भी होगा, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 आ जाए, क्या आ जाए, इधर से अगर मैं इधर बोल रहा हूं देन, तो इधर से मैं इधर भी बोल सकता हूँ, अगली थ्योरम है वाली, अगर अपोजिट एंगल इस किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम क्या आ जाए 180 आ जाए, तो ये सर्कल क्या बन जाएगा साइक्लिक, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा साइक्लिक, क्लियर। देखो अगली थ्योरम देखते हैं, ये तो समझ में आ गई ना, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 180। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट थ्योरम 9.11, इसमें उल्टा लिखा हुआ है उसका, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स
ऑफ क्वाड्रेटल इज 180। अगर एक क्वाड्रेटल है आपके सामने, ये रहा, ये थोड़ा गलत बन गया भाई। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटल है, फिर गलत हो गया, अरे यार कैसे करेगा, ये ए बी सी डी, ठीक है। अगर ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है सॉरी, इसके अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 है। तो देखो कि लिखता हूं मैं, इफ इस बार आपके पास गिवन पता क्या है, इस बार आपके पास गिवन है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना 180, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू ये भी कितना 180। अगर ऐसा हो जाए तो देन ये जो ए बी सी डी है ये कैसा क्वाड्रेटल होगा, इज अ साइक्लिक, कैसा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा क्वाड्रेटल है, साइक्लिक है, बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो गया है थ्योरम 9.11। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ नोट पॉइंट है, सुन लो। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखो अगर आपके सामने एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, जहां पे सेंटर होगा, इस सेमी सर्कल में अगर कहीं भी एक ट्राइंगल बने या एंगल बने, क्या बने, एंगल बने, ये बना देता हूं एंगल, चलो ये बन गया एंगल। ऐसे अगर एंगल बने तो ये हमेशा पता कितने का एंगल होगा, राइट एंगल होगा, क्या होगा, राइट एंगल होगा, ये कैसा होगा, राइट एंगल। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी इस केस में क्या होगा, राइट एंगल, लिख देता हूं लो, राइट एंगल ट्राइंगल, याद रखना ये बात, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। यही कहना चाह रहा है, एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल। अगर ये सर्किल का मैं आधा कर दूं, जहां पे इसका सेंटर हो, तो अगर मैं इसे बनाऊं एक एंगल, ऊपर बनाऊं ये 90 का होगा, नीचे बनाऊं तब भी 90 का होगा। अगर मैं ये बनाऊं इतना सा ना, इतना सा देखो ये जो बना रहा हूं मैं, अगर ये बनाऊं इतना सा, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये भी राइट एंगल होगा। अगर मैं ये बनाऊं, ये भी क्या होगा, राइट एंगल होगा, सारे राइट एंगल होंगे, लेकिन कंडीशन है सेमी सर्किल में होना चाहिए तब। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मेरा, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल, अगर सर्किल क्या है, दो कोर्ड है, इफ टू कोर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वल, सर्किल के दो कोर्ड के आपस में इक्वल हैं, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट एंड कन्वर्सली। देखो क्या मतलब है, सिंपल सी बात है। तो अगर सर्किल ये मान लो, इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल है मान लो, ये सर्किल है, इसकी ये दोनों कोर्ड मान लो, एक एरी एक एरी ए बी, और ये क्या है, ये ए बी है और ये है सी डी। अगर तुम्हारे पास, मैं बोल रहा हूँ ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर है, इसने ये बोला इफ टू कोर्ड्स ऑफ सर्किल आर इक्वल, वो इक्वल हो, देन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम होगी, मतलब ये वाली आर्क, आर्क ए बी बराबर होगी किसके, आर्क सी डी के। मैं बोल सकता हूँ आर्क ए बी बराबर होगी किसके, आर्क सी डी के, ठीक है। इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ए बी आर्क, आर्क के लिए ऐसे लगाते हैं ऊपर, बराबर होगी किसके, आर्क सी डी के, ये कहना चाह रहा है। और कन्वर्सली भी होगा उल्टा, अगर देखो कोड बराबर है तो आर्क बराबर, और अगर आर्क बराबर है तो कोड भी बराबर, कन्वर्सली भी लिखा हुआ है, इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इस वीडियो में हमने सर्किल का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म किया, अच्छे से समझा, सारी थ्योरम समझी, ठीक है। अब भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ठीक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम सर्किल की आएगी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, हमने इसमें सारा सर्किल का इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया, ठीक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस।